محمد محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

और मसाइल से मुतल बहुत सारी चीज़ों को एक जगह जमा कर दिया गया अल्लाह तब हदीस को बड़ी कबूलियत फरमाई मुख्तलफ का ये मर्जा रहा और मुख्तलि इसे बड़ी तोजो के साथ पढ़ते हैं दीनी दरसगाहों में ये निसाब में दाखिल है ताकि लोग कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा बातें सीख सकें हमारी भी यही कोशिश है अपने मोजज़ नाजरीन की खिदमत में कि सही और ठोस मालूम हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में घर घर पहुंचाई जाए इसका मकसद इंफॉर्मेशन नहीं है बल्कि इसका मकसद दीन सीखना सिखाना उस पर अमल करना है क्योंकि यही हमारी कामयाबी और नजात का जरिया है इसमें हमने इससे पहले मुख्तलिफ़ मसाइल का अाता किया जिसका ताल्लुक शादी ब्याह से भी है फिर तलाक़ खुला वगैरह के मसाइल फिर सेपरेशन के मसाइल जिनका तफसील के साथ ज़िक्र किया जा चुका है सेपरेशन ये एक आजमाइशी पीरियड है कोशिश करें कि इस तरह की नौबत ना आए और अगर आ जाए तो फिर कोशिश कीजिए कि उसे कुरान और सुन्नत के मुताबिक हल कर लिया जाए तवील मुद्दत के लिए मियाँ बीवी का अलग अलग रहना शरी तौर पर दुरुस्त नहीं नाचाखी हो जाए और शौहर कोई डिसीजन नहीं बना सकता तो उसके लिए जो टाइम दिया गया वो चार महीने का है ताकि चार महीने में उसे फैसला करना चाहिए कि मियाँ बीवी बनकर रहेंगे या फिर तलाक़ देकर उसे फारिग कर दिया जाए ताकि वो अपनी अलीहदा से ज़िंदगी का आगाज कर सके इन बिटवीन रखना फंसाए रखना अल्लाह ताला के पास ये चीज़ पसंदीदा नहीं है इसलिए अगर कोई इस तरह की बीमारियों में मुबतला है तो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी तो में उन्हें असर तो नौ जायज़ा लेना चाहिए और जिन ममालिक में लोग बेनिफिट्स के लिए माली मफादात हासिल करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं कि फार्म भर कर वो सप्रेशन टिक कर देते हैं उसकी वजह से जो कबाहतें बुराइयाँ पैदा हो रही हैं तरबियती नुक़ नज़र से तालीमी नुक़ नज़र से वो अपनी जगह एक तकलीफ़ दे दास्तान हैं इसलिए इनको समझना चाहिए और ये जान रखिए कि अगर आप अंग्रेज़ी में डिवोर्स लिखते हैं और ये समझते हैं कि मैंने अंग्रेजी में ये बात लिखी है उर्दू में मैंने कब कहा तो आप ये समझते हैं कि अल्लाह ताली को ज़बान नहीं मालूम है कि अंग्रेज़ी में लिखेंगे तो हुक्म अलग है उर्दू में लिखेंगे तो अलग है अंग्रेज़ी में गाली देंगे तो अरबी में दुआ बन जाएगी या अरबी में कोई गाली देगा तो अंग्रेज़ी में कोई और माना होगा ये नहीं है अगर आप तलाक़ लिखते हैं चाहे अंग्रेज़ी में लिखें उर्दू में लिखें तो वो तलाक़ तलाक़ समझी जाएगी इसी तरह के और बहुत सारे मसाइल हैं जिनको आप सामने रखें ताकि कोई गलत फहमी का शिकार ना हो कि मैं अंग्रेज़ी में फॉर्म भर रही हूँ इसलिए ये तलाक़ नहीं होगी बाज़ लोग कोर्ट में जाते हैं और वहाँ पर तलाक़ना पर सैन कर रहे हैं बायदा और कहते हैं कि मैंने उर्दू में कब तलाक दिया यानी मतलब है कि अंग्रेज़ी तलाक़ तलाक़ नहीं है तो फिर वो कोर्ट में आपने क्या किया वो तो खाना पूरी थी तो ये जो बातें हैं ये दुनिया वालों को धोखा देना है और अपने आप को धोखा देना है आप अगर तलाक़ देंगे उर्दू में या अंग्रेज़ी में वो उसी तरह है जिस तरह आप उर्दू में गाली दें या अंग्रेज़ी में गाली दें उसका हुक्म नाफिज़ होगा इसलिए जो लोग गलत फहमी का शिकार हैं और गलत तरीक़े से फार्म भरते हैं उन्हें तोबा करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी को पाकिजा बनाएं इसी में अल्लाह ताला खैर और बरकत नाजिल करेगा हो सकता है आपके बेनिफिट आपके माली फ़ायदे देखने में थोड़े कम हो लेकिन उसमें जो सुकून और बरकत होगी वो गलत तरीक़े से हासिल किए जाने वाले बेनिफिट्स के अंदर वो सुकून आपको नहीं मिल सकता आगे जो है एक और मसला हम पेश कर रहे थे जहार के बारे में जहार जो जमाने जाहिलियत का एक तरीक़ा था कि उसमें आम तौर पर यह होता था कि जब शौहर बीवी से नाराज होता लेकिन तलाक नहीं देना चाहता तो ये कह दिया करता था कि अंत्यालया का ज़ाहरी उम्मी मसलन ऐसा रिश्ता जो बहुत मुकद्दस मोहतरम है वो लगा देता बीवी के साथ कि तुम मेरे लिए मेरी माँ जैसी हो क्या माना इसका माँ तो नहीं है बीवी लेकिन वो कहता माँ जैसी हो ताकि उसके साथ रजाजी तल्लुत भी ना हो और तलाक भी ना हो कि वो जाए और अपना रास्ता अलग से तलाश करें फंसाने का यह तरीका था तो इस्लामी शरीय में सबसे पहला इस्लामी तारीख में एक केस हुआ वो खातून आई जिसका तफसीली से पहले जिक्र किया गया नबी करीम वसल्लम से उन्होंने यही प्रॉब्लम पेश की कि मेरे शौहर ने यही बात कही अब मुझे क्या करना चाहिए नबी अलैहि वसल्लम का तरीक़ा ये था कोई भी मसला नया पेश आता तो वही का इंतज़ार फरमाया करते थे तो वही आई और उसके बाद यह आयत नाजिल हुई सुर मुजादला की पहली जो आयतें हैं अट्ठाईसवें पारे की कदसमी अल्लाह कल तुजा दिलू का फीजीहा व तशतकी अल्लाह अल्लाह ताला ने उस औरत की आवाज़ सुन ली जो कमरे में तुम्हारे साथ बैठ कर तकरार कर रही है यानि मदीन मुनवरा में हज़रत आयशा रज़ी के हुजरे में बात हो रही है हज़रत आयशा वहाँ मौजूद हैं वो आवाज़ नहीं सुन सके पूरी तरह से कि वो औरत का प्रॉब्लम क्या है लेकिन अर्श पर आवाज़ सुन ली गई और उसका हल भी नाजिल किया गया इसमें और बातों को चलने से पहले असल मसले पर बात करने से पहले हम यहाँ अपने नाजरीन की तवज्जो के लिए ये बात भी करना चाहेंगे कि एक औरत की आवाज़ की कितनी कीमत है कि एक औरत अपनी प्रॉब्लम लेकर पेश हो रही है उस औरत की जिसको हम समझते हैं कमजोर है नातवान है मगर उसकी आवाज में इतनी ताकत है कि उसकी आवाज़ अरश पर सुन ली गई इस्लाम ने औरत का मुकाम कहाँ से कहाँ कर दिया कितना ऊँचा कर दिया कि एक खातून का इशू था मगर शरीयत में कितनी उसको अहमियत दी गई कि अल्लाह ताला ने वही नाजिल फ़रमा दी और कुरान मजीद में वो आयतें हमेशा के लिए महफूज कर दी गई ताकि हमारी बहनें ये समझ सकें कि अल्लाह ताला के नज़दीक उनकी आवाज़ और उनकी सदा में कितना दम है और उनकी दुआ कैसे कबूल होती है उनकी कितनी अहमियत है फिर भी अगर कोई कहे या समझे कि शायद इस्लाम में औरतों के हकूक़ कम हैं औरतों को इग्नोर किया गया नज़रअंदाज किया गया कम से कम उन्हें सूर मुजादला का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो समझना चाहिए हज़रत खौला रज़ी अल्लाह जिनका नाम था वो क्यों शिकायत लेकर आई थी क्या उनके शौहर के साथ हुआ फिर कैसे उनके लिए वही अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई अब वही क्या नाजिल हुई हुक्म क्या दिया गया अब देखिए औरत की तो आवाज़ सुन ली गई मर्द पर इतनी हेवी ड्यूटी और पनिशमेंट लगा दी गई जुर्माना लगाया गया कि अगर तुमने ये बात कही है तो कानून नंबर एक इसकी वजह से यह तलाक नहीं काउंट होगी तुमने रिश्ता मुकद्दस रिश्ते के साथ उसकी निस्बत कर दी ये तलाक नहीं है तो फिर तलाक जब नहीं है तो ये तकलीफ दे जुमला समझा गया तकलीफ दे जुमला तुमने अपनी बीवी के लिए इस्तेमाल किया कि अपनी बीवी की निस्बत माँ के साथ की कि तुम माँ जैसी हो तो इसलिए यह कहा गया कि अब क्या होगा जिहार करने के बाद उसके लिए यह बताया गया कि अब तुम्हें जुर्माने के तौर पर सुन लें जुर्माने के तौर पर दो महीने कंटिन्यूसली रोजे रखने पड़ेंगे दो महीने कफारा इसका है दो महीने रोजे रमजान में एक महीना रोजा रखते हैं तो लोगों को पहचानना मुश्किल हो जाता है ईद के दिन कि ये वही दोस्त है जो बहुत देखने में हैंडसम था अब कुछ और हालत बन गई इसकी दो महीने कंटिन्यूसली रोजा औरत को दें गाली दें उसकी शान में कोई बुरा भुरा जुमला कहें देखिए कितना बड़ा जुर्माना लगाया गया कि दो महीने रोजा अब मसला पैदा हुआ कि अगर बाज लोग जिस्मानी तौर पर कमजोर हैं कमजोर लोग भी लड़ते हैं ना या बूढ़े भी लड़ते हैं बीवी के साथ अगर वो कह दें तो दो महीने रोजा कैसे रख पाएंगे वो तो उनके लिए ये कहा गया जो नहीं रख सकते दो महीने रोजा साठ मस्किनों को खाना खिलाएंगे वो कफ़ारे के तौर पर कंपनसेशन के तौर पर साठ मस्किनों को खाना खिलाना पड़ेगा कब अब अभी तक टच नहीं कर सकते बीवी को तुमने रिश्ते का वो मजाक उड़ाया ना तो जब पहले जुर्माना अदा करेंगे पेमेंट हो गई चाहे वो दो महीने के रोजों की शक्ल में और जो नहीं रख सकते साठ मस्किनों को खाना खिलाएंगे खाना खा चुके उसके बाद फिर बीवी के पास जाइए फिर उसके बाद अपना रिश्ता उसके साथ हमवार कीजिए तो देखिए औरत की कितनी इज्जत की गई और जो लोग इस तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं उनके लिए शरीयत ने क्या मुकाम दिया अगर हम कुरान की इन सूरतों को इस बैकग्राउंड को समझें तो वो लोग जो अपनी बीवियों के साथ और अपनी घर वालियों के साथ गलत और नारवा सलूक करते हैं कम से कम उनको पढ़ तो लेना चाहिए कि शरीयत क्या हुक्म दे रही है और हम शरीयत को मानने की बात तो करते हैं मगर हमारा सलूक औरतों के साथ क्या ऐसे ही है जैसे कुरान और सुन्नत को मानने वालों का होना चाहिए क्या हमारी बीवी हमारी औरतें गवाही दे सकती हैं कि ये दीन को मानने वाले हैं अगर ऐसा नहीं है तो क़ियामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे हम पेश होंगे फिर क्या जवाब दे सकेंगे इसलिए अगर कोई बाद में कोई ऐसे रिश्ते की तरफ अपनी बीवी की नस्बत करता है कि तुम मेरे लिए माँ जैसी हो बहन जैसी हो ये तलाक़ नहीं है अलबत् इस तरह के जुमले बोलने की वजह से इतना हेवी तुमको फैन देना पड़ेगा देखते रहिए हमारा प्रोग्राम एक मुख्तर वक्फे के बाद हाजिर होंगे इन शोह जानते सब हैं कि उसी ने कायनात बनाई अगर उसका शरीक ठहराते हैं और उनके आगे हाथ फैलाते हैं मौलाना मोहम्मद ताहिर मदनी कहीं ऐसा ना हो कि हाथ से निकल जाए जन्नत इसलिए कीजिए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की इबादत अल्लाह की इबादत अल्ला हर शनिचर शाम चार बजे इंडिया में और दोपहर डेढ़ बजे सऊदी अरेबिया में पीस टीवी उर्दू पर डायलॉग डायलॉग

आज सारी दुनिया को अपने शिकंजे में जकड़े हुए हैं और इंसानियत को तलाश है की। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के अपनी नौत की पहली उर्दू आलमी इस्लामी कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ मकतब फिक्र के उलमाए कराम एक प्लेटफॉर्म एक मकसद अम्न के पैगाम को दुनिया के कोने कोने में फैलाना कारवाने अमन अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर नाजरीन वक्फे से पहले हम बता रहे थे कि इस्लाम ने औरत को कितना ऊंचा मुकाम दिया है और उसके साथ कोई ऐसा नाजेबा जुमला कह दिया जाए जो उसकी शान और उसकी पोजीशन के खिलाफ है तो उसके लिए कितना हैवी जुर्माना रखा गया है जहार ज़मा जाहलीत में की जाने वाली एक रस्म थी जिसे इस्लाम ने इस तरह से ख़त्म किया कि अगर कोई अपनी बीवी के साथ इस तरह का कोई रिश्ता लगा दे कि तुम मेरे लिए माँ जैसी हो ना तलाक़ देकर फारिग करता है ना उसको रखना चाहता है तो इससे शरीयत ने कहा कि यह तलाक़ नहीं है अलबत् तुमने ये गलत जुमला कहा इसलिए या तो तुम्हें दो महीने तक रोजे रखने पड़ेंगे या नहीं तो साठ मस्किनों को खाना खिलाना पड़ेगा अपनी बीवी को दोबारा टच करने से पहले नबी करीम अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस तरह के कुछ केसेस हुए चूँकि शुरू शुरू का ज़माना था ज़माने जाहिलियत में जो तौर तरीके थे वही चले आ रहे थे तो बाज़ मौक़ों पर ऐसे हुआ जैसे एक मौके पर एक ऐसे साहबी जो कमज़ोर भी थे जिस्मानी तौर पर दूसरा प्रॉब्लम यह था कि माली तौर पर भी कमज़ोर थे जिसमानी तौर पर भी और माली तौर पर भी उनके साथ यही मामला पेश आया जैसे कहा गया रजुल ज़ाहर मिन इमरातीम्वक़ा आलिया फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए यही जहार करने के बाद उन्होंने ये बात कह दी और उसके बाद जिहार हुआ और फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे मेरे साथ ये बात होगी तो आपने फरमाया फला तकरब हा बीवी को टच मत करो अब हत्ता तब अला मा अमर ताला भी यहाँ तक के अल्लाह ताला ने जो कुछ कहा वही सूर्य मुजादला में जो हुक्म नाजिल किया गया उस पर पहले अमल करो फिर बीवी को टच करना जाकर अब उसके लिए बड़ा मसला बन गया उसने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि सलम मैं तो कमजोर आदमी हूँ, दो महीने रोजा नहीं रख सकता मैं एक महीना रोजा रख के क्या क्या परेशानियाँ होती हैं रमजान में तो ये बात हो गई मेरे साथ तो अब मैं कैसे दो महीने रोजा रखूँगा? तो फिर नबी सल अला वसम ने कहा कि फिर साठ मिसकिनों को खाना खिलाओ वो कहा कि ये जो मदीना सिटी है ना मेरे से ज्यादा शायद कोई और गरीब नहीं है मस्किन मोहताज मैं हूँ मैं कहाँ से लाकर खाना खिलाऊंगा तो उसके लिए ये कहा गया कि फिर इंतज़ार करो सदख़ा या खैरात की जब दौलत माल कुछ आए जमा करना और उसके बाद उस पर अमल करना मतलब यह है कि गुर्बत की वजह से सज़ा माफ़ नहीं हुई लेकिन उसको ऑप्शन दिए गए जैसे एक कमज़ोर आदमी को दिए जाते हैं रोज़ा नहीं रख सकते तो फिर उसके लिए गरीबों को मस्किनों को खाना खिला दिया करो तो ये है वो चीज़ जो जहार कहलाती है लेकिन हमारी कम्युनिटी में मुख्तलिफ़ देखा गया कि जब भी कोई नाराज़गी होती है तो इस तरह का जुमला अभी भी लोग कहने वाले मौजूद हैं इस तरह की चीज़ अभी भी लोग कहते हैं कि वो कहते हैं कि मैंने उसको कह दिया तू मेरी बहन जैसी है अब बहन जैसी बीवी को कहने से उसका क्या है तलाक़ तो नहीं होगी लेकिन आपने एक मुकदस रिश्ते को मजरूह करने की कोशिश की वही उसका जुर्माना मेरे लिए तो माँ जैसी है अगर आप रखना नहीं चाहते तलाक़ देकर फ़ारिग करें मगर इस तरह का जो उसलूब है दिल आज़ारी का दिल शिकनी का शरीयत इसको पसंद नहीं की इसलिए जो लोग भी अपनी बीवियों के साथ नारवा सलूक करते हैं गलत ज़बान इस्तेमाल करते हैं चाहे वो अमल के तौर पर या किसी भी वजह से समझ लीजिए कि एक बहुत संगीन और बुरा काम कर रहे हैं क़यामत के दिन भी इसका जवाब देना होगा और दुनिया में उसका जुर्माना भी अदा करना होगा यहाँ हम थोड़ी देर के लिए वक्फा करेंगे क्योंकि ये मौजू बहुत ही हसास किस्म का है अगर आपका कोई सवाल हो तो पहले हम इसको कवर कर लें जी असल शेख वाले शेख अगर बीवी अपने शौर को कह कि तू मेरे बाप जैसा है ये बहुत दिलचस्प चीज़ है कि अगर वाइस वर्षा ऐसे हो जाए कि बीवी के खिलाफ जहार किया जाता है अगर वो कहे उसके लिए इस तरह का जो है ना उसको जहार नहीं कहा जाएगा लेकिन उसको तोबा और इस्तार करना चाहिए इस तरह की अगर वो बात करती है लेकिन तोबा और इस्तेफार उसको करना चाहिए वालेकुम सलाम। मजाक में अगर किसी ने कह दिया तो ये वैलिड है कि तू मेरी माँ जैसी जो भी एक्स वाई जेड किसी ने कह दिया। ये लूज टाक हो या सीरियस टाक हो उसके भी कुछ हैं उसके भी कुछ खवानी हैं तो आप अगर मजाक दिल्ली में भी वो हदूद से आगे पीछे ना होदूद के अंदर रहिए इसलिए जो है ऐसा जुमला ना कहें जो बाद में सीरियस बन जाए जैसे तलाक भी बाज लोग देते हैं कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा था मैं तलाक की नीयत नहीं किया हुआ था तो आप सुन चुके हैं इससे पहले हदीस तलाश सुन जिद हुन ना जिद उन वजल जिद्दुन जिद्दु। तीन चीजें ऐसी हैं जिसमें आप मजाक करें या संजीदा करें असर होगा उसका और उसमें से एक निकाह का मसला है तलाक का मसला है कि अगर आप सीरियस होकर यह काम करें तो ये कह नहीं सकते कि मैं मजाक कर रहा था बल्कि वह नाफिज होगा जैसे अभी आपने कहा कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है दौलत नहीं है और नहीं फिजिकली फिट है सिक्सटी डेज तो वो उस पीरियड में अगर वो बाद में देना चाहता है तो दे सकता है लेकिन उस पीरियड में फिर मिल सकता है अपनी बीवी से नहीं। मिलने की जहां बात है कुरान करीम में क्लियर हुक्म दिया गया मिन कबली तमाशा यानी टच करने से पहले पहले पेमेंट पहले जुर्माना फिर उसके बाद में आपकी तोबा कबूल होगी फिर आप टच करें तो मतलब समझो अगर गरीब है एक साल दो साल ऐसा चलेगा नहीं उसको मांगना चाहिए लोगों से दूसरों से मदद ले ले ताकि जो है ना मदद लेने के बाद वो जो कुछ जमा होगा साठ मिस्किनों के लिए खाना खिलाने का जो भी इंतजाम है किसी अपने दोस्त से रिश्तेदार से मदद लेकर पेमेंट पहले करे फिर उसके बाद जो है मियाँ बीवी के कायम तलुत अस्सलाम वालेकुम वाले सवाल भी उनके रिलेटेड है कि जिस बंदे को सिक्सटी रोजे रखने वो? हाँ, ब्रेक नहीं कर सकते और आपने बताया कि तू मेरी माँ की तरह है या बीवी कहती तू मेरे बाप की तरह बॉम्बे में देखा जाता है कि लोग झगड़े में इस तरह बोलते है अरे मेरी माँ चुप रहे अरे मेरे बाप चुप रहे इस तरीके से तो ये भी उसी हुक्म में आएगा क्या हाँ तो देखिए बीवी कॉमन देखा ऐसा जो रिश्ता लगाना चाहिए वही आप लगाए और इस तरह की जो है ये अगरचे कि आपकी मुकामी बोली है और मुकामी बोली जो है वो वो नहीं है तू मेरी माँ जैसी है एक फैसला कन अंदाज में अगर आप कहेंगे तो हुक्म वही होगा उसका भी इसलिए अब ये डिपेंड करता है कि उस बोली में क्यों आपने वो लफ्ज इस्तेमाल किया उसके मुताबिक उसका हुक्म होगा यानी भाई अगर कोई बीवी को भी कहता है या बीवी जब कहती है अरे भाई छोड़ो ये झगड़े को तो भाई तक कलाम के तौर पर बोला जाता है तो तक्ये तक्ये कलाम, के तौर पर जो बात बोली जाती है लिटरेरी माना उसका नहीं लिया जाता जजाकल्ला शेख एक सवाल सेपरेशन के ऊपर है आपने बताया सेपरेशन की मुद्दत जो है मैक्म चार महीने हो सकती है और आज के जो माशरे में देखा जाता है सेपरेशन साल दो साल तीन साल चलते हैं उसके बाद तलाक होते हैं तो चार महीना एक साल दो साल तीन साल काफी काफी कुछ लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उसका क्या हाल है उसमें शरीयत यही कहती है कि चार महीने में आपकी डिसीजन बन जानी चाहिए कि क्या आप करना चाहते हैं तलाक देना चाहते हैं तो फिर ठीक है अगर लंबा करेंगे तो दोनों पर जुल्म और ज्यादती होगी अगर सोचना चाहते हैं तो एक महीना दो महीने तीन महीने ये काफ़ी है अगर आदमी सोचना चाहे गौर और फिक्र करना चाहे जो चीज़ आप तीन महीने में सोच सकते हैं अगर बाद में सोचना चाहें एक साल में भी वही बात होगी तो क्यों आप एक साल ले रहे हैं क्यों अपना एक साल वेस्ट कर रहे हैं और ख़ास तौर पर उसका बेचारी का एक साल आप वेस्ट कर रहे हैं मैं ये तो नहीं कहता मासूम का पता नहीं वो मासूम है या नहीं लेकिन बेचारी का तो जो एक साल आप वेस्ट कर दिए असल वालेकुम असल अगर कोई लड़की दिमागी तौर से ठीक नहीं है और उसको रिश्ता भी नहीं आ रहा है और उसकी उम्र भी होते जा रही है तो ऐसे हालात में क्या करना चाहिए अगर कोई लड़की दिमागी तौर पर ठीक नहीं है इसलिए रिश्ता नहीं आ रहा उसकी उम्र भी हो रही है तो क्या करना चाहिए दो चीजें हैं पहले तो दुआ करें अल्लाह ताला उसको सेहत तो और सलामती से रखे फिर उसके बाद दूसरी चीज उसका इलाज करवाइए इसलिए कि अगर उसका इलाज करवाए बगैर अगर शादी करेंगे और दिमागी तौर पर ठीक नहीं है तो बाद में डबल मुसीबत बन जाएगी उसके लिए अगर आप बताए बगैर शादी करेंगे तो वो शौहर उसको छोड़ देगा या कोई और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा शरी तौर पर इसकी इजाजत नहीं है कि ऐसा ऐब है खासतौर पर मेंटल प्रॉब्लम है और वो बताए बगैर कर दें तो वो ऐसा ऐप जो है निकाह को फस करने के लिए काफ़ी है इसलिए जो है ना बताए बगैर शादी ना करें बल्कि उसका इलाज करवाएं अगर अल्लाह ताला शफा दे दे तब शादी करें सलाम शेख वालेकुम अस्सलाम शेख आज की तारीख में जो हस्बैंड वाइफ रहते हैं दोनों साथ में रह रहे हैं और जो वाइफ रहती है उसको पैसा ज़्यादा चाहिए तो वो क्या करते दूसरे जो लेडी रहती कोई भी पैसा वाली है उसको सेटिंग करते अपने हस्बैंड से तो ये जायज़ है इस्लाम में वो पैसे खास करके पैसे के लिए करते हो तो है वो पैसा कमाना है अगर तो कोई औरत ऐसी है बीवी जो मालदार औरत का शिकार करती है ताकि उसके पैसे मिल सके अपने शोहर के उसको करीब लाए तो इसमें कई चीज़ें देखने की हैं कि उस औरत के साथ इस शौहर के तलुकत कैसे कायम हो रहे हैं क्यों बैठ रही है क्यों मिल रही है क्योंकि उसकी बीवी तो दूसरी है तो जो बीवी है उसको छोड़कर किसी अजनबी औरत के साथ आदमी का बैठना मेल मिलाप ताल्लुक़ ये गलत हैं दूसरी ये शिकार करने का जो अंदाज़ है ना ये अल्लाह को नापसंदीदा अंदाज़ है ये जैसे आप पैसों के लिए शिकार कर रहे हैं कुछ ऐसे भी होता है कि दूसरी शादी कर ले तो शौहर को शिकार करती है पहली बीवी के दूसरी को तलाक दे दो या दूसरी करती है कि पहली को तलाक़ दोगे तो मैं साथ रहूंगी वरना मेरी भी छुट्टी तो इस तरह शौहर को फंसाने की कोशिश करते हैं ये जो है हिरस लालच ग्रीडीनस शरीयत में ये दुरुस्त नहीं है इसलिए अगर वाकई शौहर दूसरी शादी करना चाहता है मुनासिब सब से और बीवी प्रपोज़ कर रही है अच्छी बात है लेकिन उसको ये भी समझ लेना चाहिए कि अगर वो एक मालदार औरत का शिकार करती है पैसों के लिए ये भी तो हो सकता है वो पैसे वाली आकर पहली को फारिग कर दे घर से पहली बीवी छुट्टी हो जाएगी उसकी तो फिर आपके लिए बनेगा क्या पैसों की हिर्स में तो आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी तो इसलिए दोनों चीज़ों को सामने रखना चाहिए ये शिकार वगैरह का मसला नहीं है शादी जो है इंतहाई सीरियस मसला है और सीरियस ही उसको रहना चाहिए कला। जी वालेकुम शेख अस्सलाम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपने अभी मियाँ बीवी के बारे में इतनी सारी बातें बताई और जो इससे पहले भी सवाल आया थोड़ा उससे रिलेटेड है कि गाली गलोच जब होती है बीवी के और शोहर के बीच में तो इसके लिए क्या हुक्म है और इन जनरल मतलब शरीयत के अंदर इसकी क्या सजा है ऐसे लोगों के लिए देखिए मियाँ बीवी के दरमियान ऊंच नीच बातों में तो हो सकती है मगर गाली गुलज ये गैर शरीफाना अंदाज है आपके घर वो आई हुई है आपकी जिंदगी का सहारा है वो एक दूसरे के साथ जिसको कहते हैं शरीक हयात एक दूसरे के साथ जो है लाइफ पार्टनर के तौर पर आप गुजार रहे हैं कुरान में कहा गया हन्ना लिबास व अन तुम दोनों एक दूसरे के लिए लाइके गारमेंट कपड़े की तरह से हैं एक दूसरे के दुख दर्द मुसीबत गमी परेशानी में साथ देने वाले अब उसी को गाली गुलोच देंगे तो ये शराफत के ख़िलाफ़ है शरीयत नहीं चाहती कि आप बीवी के साथ कोई नाचाकी हो जाए तो उसको जानवरों की तरह मारने लग जाएं, उसके साथ बुरा सलूक करें ये चीज़ों की इजाज़त नहीं है आपका गुस्सा एंगर भी वो लिमिट के अंदर होना चाहिए लिमिट से बाहर ना होने पाए चूंकि हमारा वक्त यहाँ पर हो रहा है अगरचे कि हम और भी चाहते हैं कि आपके सवालात लें लेकिन यहीं पर हमें अपने प्रोग्राम को रोकना पड़ेगा इंतजार कीजिए हमारे आइंदा लेक्चर का नई मालूम के साथ इनशा हाजिर होंगे वरम वक्न मुहम्मद محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب هو الحبيب هو الحبيب, هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحمي مولاي صل وسلم دائما